Hello students, today we will discussing about biogeochemical cycle. What is the biogeochemical cycle? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि biogeochemical cycle क्या है. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ecosystem का पूरा function समझा था और biogeochemical cycle ecosystem का ही एक पूरा part है. Biogeochemical cycle supremest in the इकोसिस्टम इन ऑल द वेरियस कंपोनेंट, जितने भी इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट हैं उसमें बायोजियो केमिकल साइकिल सबसे मेन है. अब ये जो बायो, हम शब्दों पे ध्यान दो, बायो जियो केमिकल मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जीवित पदार्थों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं. उनके बिना जीवित पदार्थ अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते या उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चाहे ग्रीन प्लांट्स हो. अब जो ग्रीन प्लांट हैं उनको कम से कम 40 से 50 मिनरल्स या न्यूट्रिएंट चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ साइकिल पूरी चले. और हम इन न्यूट्रिएंट्स को कह सकते हैं बायोजेनेटिक मटेरियल या बायोजेनेटिक सब्सटेंसेस. तो ये जो बायोजेनेटिक सब्सटेंसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में भी रहते हैं और डिफरेंट लेवल पर होते हुए ये सॉइल से, वाटर और प्लांट्स, एनिमल्स सबके से होते हुए इनका वापस सॉइल में आ जाते हैं. मतलब इनका जो पूरा साइकिल है ये एक साइकिल चलता रहता है. जैसे ग्रीन प्लांट जो प्रोड्यूसर्स हैं ये सॉइल में से मिनरल्स लेके फूड प्रोडक्शन करेंगे, भोजन बनाएंगे और वो भोजन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स को जाएगा या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल को जाएगा. फिर जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स हैं ये डिकम्पोज होंगे और ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये वापस पुनः सॉइल में या एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे. तो इस तरह से ये जो पूरा साइकिल है, मिनरल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये लगातार चलता रहता है. तो इसे ही हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. अब ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है ये भी साधारणतः तीन प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ गैस हैं, कुछ मिनरल्स हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में है. तो इस आधार पर हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं. सबसे पहले है आपका जलीय चक्रण, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. इसमें हम जल की बात करते हैं कि जल जो है वो कैसे सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेट होता है. तो जल, जैसे आप सभी को पता है, वर्षा का जल नीचे भूमि से जो है, वर्षा का जल भूमि पर आएगा, भूमि भूमि से जो है कुछ जल ट्रांसपिरेशन होगा थ्रू द प्लांट्स और कुछ जो है इवोपरेशन होता है और वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में या क्लाउड में पहुंच के, क्लाउड में पहुंच के क्लाउड बना लेता है और वो वापस जब वर्षा आती है तो नीचे आ जाता है. तो इस तरह पूरा एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलता रहता है. इसी तरह आपके दूसरा जो साइकिल है वो है आपका सेडिमेंट्री साइकिल. सेडिमेंट्री साइकिल, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो पानी में घुलकर पौधों तक पहुंचते हैं. मतलब ये अकेले तो पौधों तक नहीं पहुंच पाते और ये रहते कहाँ है, सेडिमेंट्स पर, अवसादी चट्टानों में रहते हैं. जैसे आपका कैल्शियम, फास्फोरस, इनकी भी प्लांट्स को बहुत आवश्यकता होती है लेकिन ये डायरेक्ट प्लांट इनको नहीं ले सकता. तो ये प्लांट्स कैसे इनको अब्जॉर्ब करता है, पानी की सहायता से. ये पानी में घुल जाते हैं और इस सब्सटेंस को जो है प्लांट ले लेगा, लेकिन जब इनका एवोपरेशन होता है तो पानी का तो एवोपरेशन हो जाता है और ये सब्सटेंस पुनः सेडिमेंट्स या सॉइल में इकट्ठे हो जाते हैं या सेडिमेंट्स पर पहुंच जाते हैं. तो ये कहलाते हैं आपके सेडिमेंट्री साइकिल. और सेडिमेंट्री साइकिल में आपके जो मेन कंपोनेंट आएंगे वो आएगा आपका मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम. अब हम बात करते हैं जो आज हमारा मेन टॉपिक हम पढ़ना चाहेंगे, जैसे अभी आपको बोर्ड पर दिख रहा है नाइट्रोजन साइकिल. तो ये है आपका गैसियस साइकिल, गैसीय चक्र या गैसियस साइकिल. अब एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मात्र एटमॉस्फेयर में 0.03% रहती है और
ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेट 21% रहती है और नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक परसेंटेज एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का ही रहता है 79%। अब यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है वो कैसे होगी, जैसे कि ये माल इसमें साइकिल में इसमें हम प्लांट देख रहे हैं, ग्रीन प्लांट सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेके फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेंगे, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है एनिमल्स के पास जाएगा और एनिमल से वापस जो है सॉइल में चला जाए, जो टूट मतलब इसमें डिकम्पोजिशन के थ्रू ये वापस सॉइल में इसके न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन फिर अलग अलग हो जाते हैं, तो ये तो कार्बन है। और जितने भी लिविंग सब्सटेंसेस हैं ये आप सभी को जैसे पता है रेस्पिरेशन की एक्टिविटी के द्वारा CO2 को निष्कासित करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी CO2 है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी आ रही है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म CO2 को निष्कासित कर रहे हैं। फिर जो CO2 है वो और कहाँ से आ रही है, आजकल जैसे आपको पता है जितने भी इंडस्ट्रियल फ्यूल है या जितना भी केमिकल बर्न होता है उन सब में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर में आ रही है तो इसका भी पूरा जो साइकिल चलता रहता है। लेकिन हम आज जो है मेन साइकिल पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, जो कि इस बोर्ड पर पूरी तरह से ड्रॉ हो रहा है। इसके पहले भी मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कितनी परसेंट होती है, 79%। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को अवशोषित या एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उनको नाइट्रोजन को अवशोषित करने के लिए जो नाइट्रोजन है वो कई प्रोसेस में या नाइट्रेट में परिवर्तित होती है, तभी प्लांट नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकते हैं। अब ये देखो जैसे ये नाइट्रोजन है फ्री नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में है, अब इसको प्लांट कैसे अवशोषित ये जो है इसको ये सॉइल में कैसे एब्जॉर्ब होगी, तो जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से सॉइल में एब्जॉर्ब होती है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो कैसे होता है, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने की उनमें कैपेसिटी होती है। ये दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और एक होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया वो है एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम, ये सॉइल में रहते हैं और ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को लेकर किसमें परिवर्तित कर देते हैं, कई अमोनिया में, किसमें या नाइट्राइट में, किसमें नाइट्राइट में और नाइट्रेट में, मतलब ये जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ने नाइट्राइट में परिवर्तित किया और फिर वो परिवर्तित हो जाएगा नाइट्रेट में। अभी अपन बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फ्रीली नहीं रह सकते, तो उनको रहने के लिए कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आवश्यकता होती है, तो वो होते हैं कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी तो जैसे आप लोग को पता है कि फाइटोप्लैंकटन में भी तालाब के ऊपर भी ग्रीन काई जम जाती है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जैसे नॉस्टॉक और एनामिना ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। इसके बाद है ये जो आपस एनामिना और नॉस्टॉक है ये सिम्बायोसिस की तरह सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की तरह भी रहते हैं। नॉस्टॉक और एनामिना साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है उसकी कोरोलाइट रूप में ये दोनों रहते हैं, और ये क्या करते हैं रहने के लिए इन्होंने जगह तो साइकस से ले ली और नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको जो है नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का जो है दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं, परस्पर एक दूसरे के काम आ रहे हैं, तो ये कहलाता है सिम्बायोसिस। इसी तरह जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं, जो कि लेग्यूम जिनमें होता है लेग्यूमिनस प्लांट, तो लेग्यूमिनस प्लांट का की रूट्स में एक विशेष प्रकार के नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं, और इन नोड्यूल्स में होता है राइजोबियम, जो राइजोबियम होता है ये राइजोबियम भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो ये जो फ्री नाइट्रोजन है नाइट्रोजन हमेशा एटमॉस्फेयर में फ्री रहेगी और नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण ये नाइट्राइट में परिवर्तित नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद जो और जो है
तो ये नाइट्रोजन एक तरह से तो कैसे कैसे फिक्स हुई, बैक्टीरिया की तरह। तो हम इसको कहेंगे बायोटिक फिक्सेशन। हम इसको क्या कहेंगे, ये क्योंकि बैक्टीरिया के थ्रू, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है, तो ये तो हो गया बायोटिक फिक्सेशन। और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन NO2, मतलब कुछ अन्य तरीकों से भी ये नाइट्रोजन फिक्स होती है। उसमें क्या है, जैसे आपका एसिड रेन। अब ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, तो जब अधिक मात्रा में इसके ऑक्साइड बन जाते हैं, तो ये पानी से क्रिया करके ये क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जब नीचे सॉइल में आएगा, तो ये यहाँ पर पानी अलग हो जाएगा और उसमें से नाइट्रेट आ जाएगा। मतलब नाइट्रोजन वर्षा के थ्रू या एसिड रेन के थ्रू आ गई। फिर आपका वेदरिंग, जब बिजली कड़कती है तब भी उसमें से जो है नाइट्रोजन सॉइल में आता है और फिक्स होता है। फिर फर्टिलाइजर्स, जैसे आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन और पोटेशियम जो है ये क्रॉप यील्ड को बढ़ाते हैं, ये फर्टिलाइजर है। तो ये भी जब सॉइल में डलते हैं फर्टिलाइजर्स, लेकिन ये है तो आर्टिफिशियल, पर ये सॉइल में डलते हैं तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम आते हैं। तो ये इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में सॉइल में आ गई। लेकिन ये अमोनिया कैसे आया, प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसमें से अमोनिया निकलती है। लेकिन वो कैसे निकलती है, अमोनिफिकेशन होता है। क्या क्रिया होती है, अमोनिफिकेशन। जब अमोनिफिकेशन होती है तो ये होती है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया से, मृतोपजीवी जीवाणुओं से अमोनिफिकेशन की क्रिया होती है। और ये जो एनिमल वेस्ट है वो उसमें से अमोनिया अलग हो जाती है। और ये जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है ये आपके कुछ फंजाई भी हो सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स है, प्लांट्स भी जब डिके होते हैं या प्लांट्स भी जब मरते हैं तो उनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो भी क्या बनाएगा, अमोनिया। लेकिन वो भी किससे बनाएगा, अमोनिफिकेशन से। अब ये जो अमोनिया है, अमोनिया परिवर्तित होगी NO2 में, और ये बैक्टीरिया सॉइल में फ्री बैक्टीरिया होते हैं जो है नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया का मुख्य काम क्या हुआ, इन्होंने अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर दिया। अब ये जो नाइट्राइट है ये नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रो स्पाइरो बैक्टीरिया से नाइट्राइट में परिवर्तित हो, सॉरी ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो गया। अब ये क्या बन गया, NO3 नाइट्रेट। और ये जो NO3 है, इस NO3 को डायरेक्ट प्लांट भोजन के रूप में ले लेंगे। और ये जो डायरेक्ट एसिमिलेशन होगा तो ये भोजन के रूप में किसको ले रहे, NO3 को, नाइट्रेट को। अब प्लांट के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि प्लांट्स जो है उनमें क्या होता है, प्लांट्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, अमीनो एसिड्स होगा। और प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का मुख्य कंपोनेंट क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इसलिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि अमीनो एसिड्स और प्रोटीन किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन। तो एसिमिलेशन से ये नाइट्रोजन यहां आ गई। अब इसके बाद जो और नाइट्रेट है, अब ये क्या हुआ कि इसका फिर क्या होगा, डिनाइट्रिफिकेशन। भाई नाइट ये जो बच गया, एसिमिलेशन भी हो गया, उसके बाद क्या होगा इसका, डिनाइट्रिफिकेशन, मतलब ये वापस टूटेगा, ये नाइट्रेट वापस टूटेगा। और ये किस बैक्टीरिया की सहायता से टूटता है, ये होते हैं आपके माइक्रोकोकस और थायोबैसिलस। माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ये इस नाइट्रेट को वापस तोड़ेंगे, तो हम इस क्रिया को कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन फिर पुनः अलग होकर एटमॉस्फेयर में आ गई। तो इस तरह जो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये पूरा चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन साइकिल है, द नाइट्रोजन साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल by which the nitrogen is
कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल केमिकल्स, ये देखिए मल्टीपल केमिकल्स एंड फॉर्म्स, कभी नाइट्रेट बन रहा है, कभी नाइट्रेट बन रहा है एंड फॉर्म्स और सर्कुलेट अमंग द एटमॉस्फेयर, मतलब कई तरह के केमिकल बन रहे हैं और पूरी नाइट्रोजन जो है सर्कुलेट हो रही है। यहाँ पर ये जो तीन, इसमें यहाँ पर जो है चार एक्टिविटी मेन हो रही है नाइट्रोजन साइकिल में। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, फिर आपका एमोनिफिकेशन हो रहा है, थर्ड वन इज एसिमिलेशन हो रहा है और डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। तो ये चारों एक्टिविटी से कई तरह के बीच में केमिकल्स बन रहे हैं नाइट्रोजन के। अच्छा, ये तो हुई हमारी बायोटिक, हम इसको कह सकते हैं फिक्सेशन। अब जो एबायोटिक फिक्सेशन है उसका एक और मेन बात है कि आकाशीय बिजली चमकती है। जब वेदरिंग में आकाशीय बिजली चमकती है तब भी क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये सॉइल में आ जाती है। वो कैसे आती है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है, जैसे NO, N2O5, डिफरेंट नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। और ये जो डिफरेंट नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ये क्या करेंगे, ये जल से क्रिया करेंगे। ये किससे क्रिया करेंगे, मान लें ये NO2 है या N2O5 है, ये जल से क्रिया करेगा तो जल, तो ये बनेगा फिर HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड अमोनिया से क्रिया करके बनाएगा NH4 अमोनियम नाइट्रेट। देखो इसको अपन थोड़ा सा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है आपका, मान लो ये आपका 2NO या ये कोई भी 2N2O5 नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड है, ये जल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जब अमोनिया से क्रिया करेगा तो ये बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। क्या बना? अमोनियम नाइट्रेट। तो सॉइल में जो ये फ्री नाइट्रोजन है ये अमोनियम नाइट्रेट बनकर सॉइल में आ गई और फिर इसको जो है प्लांट यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है ये नाइट्रोजन का साइकिल जो है पूरा चलता रहता है। अब चूंकि एट प्रेजेंट नाइट्रोजन साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण सभी को ज्यादा पॉपुलेशन है, इससे सभी को ज्यादा क्रॉप ईल्ड चाहिए। ज्यादा क्रॉप ईल्ड के कारण हम जब ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करता है। अधिक मात्रा में जब नाइट्रोजन किसी प्लांट में एक्यूमुलेट होगी तो ये प्लांट का भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो प्लांट जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारी जो सॉइल है वो भी खराब हो जाती है। तो हमें यदि नाइट्रोजन के लेवल को ठीक रखना है तो फर्टिलाइजर एक लिमिटेशन में मिलाना चाहिए और दूसरा जो है क्रॉप का रोटेशन करते रहना चाहिए। मतलब यदि हमने एक बार कोई क्रॉप लगाई तो हमें दूसरी बार लेग्यूमिनस प्लांट की क्रॉप लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी पहले बताया था कि लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल्स होते हैं और ये इन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है। तो यदि ह्यूमन बींग्स भी इस नाइट्रोजन के साइकिल को डिस्टर्ब करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और यदि हम इसको ठीक ठाक रखेंगे तभी हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी ठीक रहेगा और नाइट्रोजन का बैलेंस पूरे एटमॉस्फेयर में सही से रहेगा तभी इकोसिस्टम भी जो है ठीक से रन करेगा। तो हमने बच्चों आज पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल।